शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपनी बीवी के करीब आने का एक भी मौका नहीं छोड़ती तुम हरीश, है ना? तुमने ये अंधेरा क्यों कर दिया इतना? मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। रुको, मैं लाइट ऑन करती हूँ। हरीश, अरे हरीश, अचानक से कहाँ गायब हो गए थे? गायब? पर बेबी, मैं तो अभी आया हूँ रूम में। हाँ तो ऐसा क्या छपा है न्यूज़पेपर में जो एक घंटे से पढ़ रहे हो? अभी पेपर में मैं पढ़ रहा था स्विट्जरलैंड के बारे में। तुम जानती हो स्विट्जरलैंड कितनी सुंदर जगह है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं क्या कह रहा था माधवी, हम दोनों नेक्स्ट मंथ स्विट्जरलैंड चलते हैं, एक बार फिर से सुहागरात मनाएंगे, क्या बोलती हो? हमारी शादी को 6 महीने हो चुके हैं और हम लोग ना बहुत बार सुहागरात मना चुके, तो अब मुझे कहीं नहीं जाना। अरे यार, तुम भी ना माधवी, ऐसे क्यों बोलती हो? तुम्हें याद है जब कॉलेज में तुम मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, हर जगह जाने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है ना, हर जगह मना कर देती हो जाने के लिए। क्यों बेबी? हरीश, शादी के बाद ना जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है और हम ना अभी कुछ महीनों तक कहीं घूमने फिरने नहीं जाएंगे। कहाँ जाने की बात हो रही है भाभी? अरे शालू, कहीं नहीं, तुम्हारे भैया बस शॉपिंग के लिए जाने का बोल रहे थे और आज ना मेरा कहीं पे भी बाहर जाने का मन नहीं है। देख रही हो माँ, भैया के पास मेरे लिए भले ही टाइम ना हो, लेकिन भाभी के लिए तो टाइम ही टाइम। ऐसी बात नहीं है शालू, अगर माधवी मेरे साथ शॉपिंग के लिए जा सकती है तो तुम भी चल सकती हो ना। हाँ शालू, अगर मैं तुम्हारे भैया के साथ शॉपिंग पे जाऊंगी तो तुम भी तो मेरे साथ चलोगी ना। बस बस, सवेरे सवेरे फालतू की बातों में लगी रहती है। ये नहीं कि सुबह सुबह उठ के सासू माँ के पैर छू, उनका आशीर्वाद ले। कितनी बार समझाया है तुम्हें? अरे लेकिन तुम्हें है कि कुछ याद रहता ही नहीं। आई एम सॉरी माँ, वो बस घर के कामों में लग गई थी, इन्हें जूस दे के बस आप ही के पास आ रही थी मैं। हाँ हाँ ठीक है बेटा, हम मंदिर जा रहे हैं दोनों और हमें लौटने में देर हो जाएगी, चिंता मत कर। माँ चलिए ना, मैं आप दोनों को छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, हम चले जाएंगे ना। चल चल। हेलो। अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, उसको लेकर घर आ जाइए, ठीक है? कौन सा? अरे माधवी, हमारे एक स्टाफ हैं, बहुत ही ईमानदार और बहुत पुराने हैं, मनोहर जी नाम है उनका, बस उन्हीं का फोन था। वो क्या है ना, आजकल बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसे लड़के को काम पर रख लूँ जो घर से ही हमारे अकाउंट्स देख सके। उसी जॉब के लिए मनोहर जी अपने भतीजे को लेकर यहाँ आने वाले हैं। बहुत अच्छा ये तो। रोहित, रोहित, रोहित उठा। और ये कमरे की हालत क्या बना रखी है तुमने? लड़कियों की तस्वीर,
दारू की बोतल। तुम सुनो, ये घर है या ऐसी का अड्डा? सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। देखो और खाम खा बतियाए जा रहे हो, जाके अपने काम करो, नौकरी करो जाके, मुझे सोने दो। सुनो, चुपचाप नहा धो के तैयार हो जाओ, आज शोरूम के मालिक से तुम्हारे लिए नौकरी पक्की की है, उनसे मिलने जाना है, उठो जल्दी। नौकरी? अरे मुझे नहीं करनी कोई नौकरी वोकरी, जाओ इधर से, सोने दो। देखो 15 मिनट के अंदर तुम नहा धो के बाहर नहीं आए तो आज से इस घर से तुम्हारा हुक्का पानी बंद, और भीख मांगना दिल्ली के सड़कों पे। नमस्ते सर। नमस्ते मनोज जी, आइए। सर ये मेरा भतीजा रोहित है, कुछ दिन पहले कानपुर से दिल्ली आया है नौकरी के तलाश में। अगर आप उसे अकाउंट के देखने के लिए नौकरी दे देते तो बड़ी मेहरबानी होता सर। तो रोहित, आज से पहले तुमने कभी अकाउंट या बैलेंस शीट को अपडेट किया? नहीं सर, ना मैंने पहले कभी किया है ना मुझे आता। अबे कथे, तुझे समझाया था ना क्या? देखिए मनोहर जी, अकाउंट का काम कोई बच्चों का खेल नहीं होता है, बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। अगर रोहित को अकाउंट का काम नहीं आता तो उसे मैं ये नौकरी नहीं दे सकता। देखिए छोटी सी गलती बड़ा नुकसान खड़ा कर सकती है, इस तरह से मैं इसे नौकरी पे नहीं रख सकता। मना मत कीजिए सर, भले रोहित नया है लेकिन जिम्मेदारी से काम करेगा। क्यों रोहित? हाँ ना सर, तो मैं अपना काम पूरा जिम्मेदारी से करूँगा सर, तो आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर। हरीश, मुझे लगता है रोहित को एक मौका देना चाहिए, जब हम मौका देते तो ही तो नए लोग आगे बढ़ते हैं ना। सही कह रही हो तुम। मैं रोहित, तुम्हें नौकरी मिल गई है, आज ही से अपना काम शुरू कर दो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमें अभी जाना चाहिए सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मन लगा के काम करना, ठीक है रोहित? जी 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 सर। इधर आइए। देखो मैं तुम्हें एक लेजर बुक और लैपटॉप दे रहा हूँ सर, लेजर बुक में अच्छे से देख कर लैपटॉप के अंदर बैलेंस शीट को अपडेट करना। ओके सर। तुम्हें कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, कोई भी गलती मत करना। हाँ नहीं, कोई गलती नहीं, काम में गलती मुझे बर्दाश्त नहीं है। नहीं होगी सर। चल वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। अब यहाँ काम करने के बहाने तुम्हारे करीब आने का मौका मिलेगा मैडम जी। काफी देर हो गई, अभी तक ये माझी मैडम अपने कमरे से बाहर नहीं आई।
ये लड़का कौन है जो चोरी छिपे भाभी के कमरे में दिख रहा है? सालू, लगता है आज घर में चोर आ गया। चल पकड़ते, पकड़ो इसे। आज कौन है ये? जाने नहीं देंगे। कौन है तुम और तुम घर में कैसे घुसे? शालू, ये कोई चोर नहीं है, ये रोहित है और इसे तुम्हारे भैया ने जॉब पे रखा है अकाउंट डिपार्टमेंट संभालने के लिए। माँ जी, ये घर पे रह के काम करेगा, तुम जाकर अपना काम करो। जाओ। क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? यहाँ इतना शोर कैसे हो रहा था अभी? देखो बेटा, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई बाहर का लड़का हमारे घर में आके काम करे। आखिर हमारे घर में दो दो जवान लड़कियां बैठी हैं। माँ शांत रहिए, आप मेरी बात सुनो। वो कोई बाहरी लड़का नहीं है, हमारे स्टाफ है ना मनोहर जी, उन्हीं का भतीजा है। अच्छा लड़का है माँ। माँ वैसे भी आजकल कम पैसों में काम करने वाले लोग कहाँ मिलते हैं, इसलिए मैंने उसे नौकरी पे रखा है। पर मनोहर जी कितने ईमानदार हैं, कितने बरसों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए। वो सब तो ठीक है भैया, पर जमाना बहुत खराब है, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। शालू, पर रोहित पे भरोसा किया जा सकता है। माँ जी, वो एक बहुत ही सीधा और शरीफ लड़का है। देखो तू, ज्यादा वकालत करने की जरूरत नहीं। मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी, उस समय आने पर सब अपना रंग दिखा देते हैं। चलो सालू। बहुत जल्द तुम्हें अपना बनाऊंगा माधी, इससे भी ज्यादा प्यार करूंगा तुम्हें। सरप्राइज देने का अच्छा तरीका है हरीश का। ये बुके किसने भेजा है भाभी? तुम्हारे भैया के अलावा कौन भेजेगा मुझे ऐसे बुके? हरीश ने सरप्राइज दिया है मुझे। हरीश को भी पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? बहुत प्यारा बुके है हरीश, इतना खूबसूरत सरप्राइज देने के लिए थैंक यू सो मच। सरप्राइज माधवी, लेकिन मैंने तुम्हें कोई सरप्राइज नहीं दिया। मजाक क्यों कर रहे हो? तुम्हारे अलावा कौन भेजेगा मुझे इतने प्यारे फूल? माधवी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये फूल नहीं भेजे तुम्हें। शायद आपके किसी खास दोस्त ने भेजा होगा भाभी। बस अब यही दिन देखना बाकी था कि घर की बहू बेटी को बाहर के लोग फूल पत्ती भेज रहे हैं। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। माँ माधवी बिल्कुल सही कह रही है, माधवी को ऐसे कोई नहीं जानता है कि उसे कोई फूल दे। मेरे सिवा माधवी को कौन फूल दे सकता है? लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये फूल भेजे किसने। मैंने
रोहित, ये फूल तुमने भेजे? फूल? नहीं, मैंने कोई फूल नहीं भेजे। तो तुमने ये क्यों कहा? मैंने? वो तो मैंने ये कहा कि मैंने आने में देरी तो नहीं की। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और अपना काम शुरू करो। मैं जानता हूँ माधवी, मेरा ये सरप्राइज तुम्हें बहुत पसंद आया। अब इन फूलों को अपने सीने से लगा के रखना। अगर हरीश ने मुझे ये गुलदस्ता नहीं भेजा है तो फिर किसने भेजा? ये प्यास तो बुझ जाएगी माधवी, पर मेरे अंदर की प्यास तो तभी बुझेगी जब मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। मैं तो सिर्फ पानी लेने आया। आगे से अगर कुछ चाहिए ना तो बता देना, ऐसे ही घर में कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है। चलो जाओ, निकलो, काम करो अपना। एक दिन में अपने हाथों से इस बुढ़िया का गला दबा दूंगा। और तुम बहू, कल के आए हुए दो टके के लड़के से क्या हंस हंस के बातें कर रही थी? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? माँ, उसे प्यास लगी थी, वो बस पानी लेने आया था, मैंने उसे पानी दिया। और अगर दो हंस के बात भी कर ली तो क्या गलत कर दिया मैंने? बातें माधवी, परेशान नजर आ रही हो, सब ठीक तो है ना? तुम अच्छे से जानते हो ना कि तुम्हारी माँ मुझे सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। वो रोहित किचन में पानी पीने के लिए आया था, उसके लिए भी सुना रही थी। ओहो, बस इतनी सी बात? अच्छा बेबी, अब निराश मत होना, माँ से बात मैं कर लूंगा। एक बात बताऊँ तुम्हें, गुस्से में ना तुम्हारे गाल एकदम लाल सेब जैसे लाल लाल हो जाते हैं। जी तो चाहता है इनको भी खा जाऊं। बोलो। अभी नहीं, अभी मुझे बहुत सारा काम है। वो गीले कपड़े रखे थे, वो भी सुखाने, नहीं तो माँ जी उसके लिए भी चिल्लाने लगी थी। एक बार काम खत्म हो जाए फिर रोमांस करेंगे। जल्दी आना। Thank you.
ढूंढ रही है बेबी? अरे मेरी पीली वाली साड़ी और ब्लाउज कहीं गायब हो गए। मैंने बाहर ही धुलने के बाद सुखाए थे, मिल ही नहीं रहे। सब समझता हूँ मैं। जब लड़कियों को नए कपड़े चाहिए होते ना, तो ऐसे ही झूठे बहाने बनाती हैं, है ना? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में मेरी पीली वाली साड़ी नहीं मिल रही है, पूरे घर में ढूंढ लिया मैंने। अरे मैं दिला दूंगा तुम्हें नए कपड़े। भैया। हाँ चलो। आपको माँ बुला रही है। हाँ तो ढूंढो ढूंढो, अच्छा बहाना बनाती हो तुम शॉपिंग के लिए। आता हूँ मैं। कहाँ चले गए मेरे कपड़े? बाहर ही तो सुखाए थे, न घर में न बाहर ही, हम गायब हो गए। माधवी अच्छा होगा माधवी मेरे पास आ गए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे दूर रहा नहीं जाता। आई लव यू मासी।
माधवी बहुत जल्द हम एक साथ हो जाएंगे माधवी, देखना तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। माधवी आपको कौन कॉल कर रहा है? हेलो हेलो माधवी, कौन बोल रहा है? तुम्हारा प्यार बोल रहा हूँ, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा जिस्म गुलाब की तरह है, इसलिए मैंने तुम्हें फूल भेजे थे। और तुम्हें सरप्राइज पसंद आया था ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गुलाब भेजने की? वैसे नाइटी में तुम काफी सेक्सी लग रही हो। मैं कैसे पता कि मैंने पर्पल नाइटी पहनी? मुझे सब पता है, मेरी नजर तुम पर 2400 घंटे रहती आशिक, तुम्हारा जिस्म गुलाब की तरह है, इसलिए मैंने तुम्हें फूल भेजे थे। मेरी नजर तुम पर 2400 घंटे रहती है। मैम आप कुछ परेशान दिख रही हैं, क्या वो? कुछ नहीं, बस ऐसे। नहीं मैम, आप मुझे बता सकते हैं मैं कितने दोस्त ही होंगे? यहाँ क्या कर रहा है? सब काम धंधा छोड़ के यहाँ बातें करने में लगा हुआ है? भैया ने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रखा है, ना कि बातें करने के लिए। जाओ जाके अपना काम करो। माँ जी, शालू आप दोनों रोहित को बेवजह ही डांट रहे हैं। वो तो अपना काम ही कर रहा था, पर मुझे परेशान देखकर बस मुझसे पूछने आ गया। तुम्हारी परेशानी पूछने के लिए हम हैं ना, ये तुम्हारी परेशानी पूछेगा? काम छोड़ गई का? मैं तो परेशान थी। माँ बिल्कुल सही कह रही, ये रोहित आजकल अपना काम कुछ ठीक से नहीं कर रहा है। आए दिन अकाउंट से मुझे नई नई गलतियां देखने को मिल रही है। देखो रोहित, इस तरह से यहाँ काम नहीं चलेगा, तो इस नौकरी के लायक नहीं। नहीं नहीं सर, मुझे नौकरी से मत निकालिए सर, मेरे लिए नौकरी बहुत जरूरी है सर। सर देखो सर, मैं ठीक कर लूंगा सर गलती। रोहित मैम बोलिए ना, मैं तुम्हारी सॉरी सुनने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ। मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दे सकता। हरीश माधवी, रोहित तुम्हें याद होगा जब तुम अपने चाचा के साथ मेरे पास नौकरी मांगने आए थे तो मैंने तुम्हें तभी बोल दिया था कि काम में कोई भी गलती मुझे बर्दाश्त नहीं है, समझे? हरीश मुझे लगता है कि हमें रोहित को एक और मौका देना चाहिए, गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। माधवी, नो मींस नो, बिजनेस के कुछ असूल होते हैं। यू गो। हरीश खड़े क्या? तुम्हारे लायक अब यहाँ कोई काम नहीं, चलो निकलो यहाँ से। और आइंदा यहाँ काम मांगने कभी मत आना, दफा हो जाओ यहाँ से। चलो अलग नहीं कर सकता, समय आ गया खुलकर प्यार करने का। वो हरीश,
मैं अलग नहीं कर सकता। हाँ मम्मी, मैं अच्छी हूँ और यहाँ पे भी सब ठीक है। हरीश तो माँ जी को डॉक्टर के पास लेके गए रूटीन चेकअप के लिए। हाँ माँ, मैं फोन रखती हूँ, लगता है हरीश आ गए। बाय। अरे रोहित, तुम? मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, पर है ना, तुम बहुत मेहनत करो, तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में जॉब मिलेगी। वैसे कैसे आना हुआ, कुछ भूल गए थे क्या? हाँ, मेरी एक जरूरी चीज रह गई। जरूरी चीज? हाँ। क्या है मुझे बताओ, मैं लाके दे देती। तुम्हें लेने आया हूँ माधवी। ये क्या बदतमीजी है माधवी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। प्लीज मेरी बाहों में आ जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। रोहित पागल हो गए तुम, जाओ यहाँ से, निकलो। माधवी मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं वापस तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम कबूल नहीं कर लेती माधवी। रोहित हरीश, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये रोहित जबरदस्ती घर में घुस गया था और मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। ये रोहित, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे ही घर में घुस के मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करी। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, उसने तो मुझे खुद फोन करके बुलाया यहाँ पे। चुप हो जा, चुप। ज्यादा बोला ना तो तेरी जुबान अभी की अभी खींच लूंगा मैं। माधवी तू बोलती क्यों नहीं, तुम उससे प्यार करती है? ए रोहित, अगर अगली बार मेरे घर में तो दिख गया ना मुझे, पहले तेरी हड्डियां तोड़ूंगा और फिर तुझे पुलिस के हवाले करूंगा, समझा? चल निकल यहां से। हमें तो पहले ही पता था इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा। लो आ गया सच सामने। घटिया हरकत करने से पहले एक बार भैया और हम लोगों के बारे में तो सोच लेती, इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती आप? मैंने कुछ भी नहीं किया, वो मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा था। ना मेरे कोई घटिया हरकत की है, ना ही मैंने किसी को धोखा दिया है। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, हमेशा लड़कों की गलती नहीं होती है। हरीश कम से कम तुम तो कुछ बोलो ना, तुम तो मुझे जानते हो ना। माधवी मुझे अकेला छोड़ दो। हरीश, हरीश सुनो ना, हरीश। कुछ दिन कल के मैं बाहर चला गया, तू अपने रंग दिखा दिया, जहां पर काम पर लगाया मालिक की बीवी पर बुरी नजर डाली, आज तुझे मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा बदतमीज, जद मिट्टी में मिला दी। देख मैं क्या करता हूं। राजा, 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 माधवी की फोटो को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा, छोड़ो। हाथ उठाएगा, चाचा को धमकी दे रहा है। देख बेटा, माधवी की तस्वीर की जगह तस्वीर को हाथ लगाएगा तो मेरे और माधवी के बीच जो भी आएगा ना, कहना तो आ रही हूँ मैं। हेलो, मैं जानता हूँ माधवी, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही ना, तुम भी मेरे बारे में सोच रही हो ना, है ना माधवी? मैं शर्म नहीं आती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
किस बात का बदला ले रहे हो तुम मुझसे? आज के बाद अगर तुमने मुझे कॉल किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जानती थी हरीश कि तुम उसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम यहाँ तक घुस गए? निकल जाओ नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। अभी वो इतना अच्छा मौका छोड़ कैसे सकती हो? चलो अंदर साथ में नहाते हैं। मेरा हाथ? अरे अंदर चलो साथ में नहाते हैं। रोहित छोड़ो मेरा हाथ। चलो करने की कोशिश कर रहा है। ये सब क्या बकवास है? रोहित, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में घुस आया? आज तो पुलिस को फोन करता हूँ मैं। नहीं बेटा, पुलिस को मत बुला। पुलिस आएगी, तेरी पत्नी की सारी करतूत सामने आएंगी और तेरे मोहल्ले में अपनी बहुत बदनामी होगी। पुलिस को मत बुला बेटा। आज तुझे मैं आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तू मुझे मेरे घर में दिखा तो बेटा तुझे सीधा गोली से उड़ा दूंगा। चल निकल मेरे घर से। हरीश, माधवी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। हरीश, मेरा यकीन मानो, वो झूठ बोल रहा है। वो मुझे झूठा इल्जाम लगा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इतनी रात गए माधवी जा कर सकती है? ऊपर से मेरा फोन तक पिक नहीं कर रही है वो। माधवी, तुम आ गए। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तुम्हारे सपना देखा मैंने भी। हमारी शादी हो गई, हम दोनों ठीक हो गए। कल दूल्हा बनकर आना, तुम्हारा सपना हमेशा के लिए पूरा हो जाएगा। कुछ माधवी, फालतू में अपना खून जला रहा है बेटा। वो गई होगी अपने आशिक से मिलने। माँ एकदम ठीक कह रही है भैया, ये प्यार का मामला है, इतनी आसानी से सब खत्म नहीं होने वाला। माधवी, कहाँ गई थी तुम इतनी रात को और मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रही थी? माधवी जवाब दो, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। बस मां, बहुत हो चुका है। मैं आज ही माधवी को उसके मायके छोड़ के आऊंगा। तो जल्दी से लेके जा बेटा इसे।
मुझे भी घर का शुद्धिकरण कराना है। घर है ना बहुत गंदा हो गया। हाँ भैया, अब इस काम में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। उमा भी, मैं आ गया। ये रोहित, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? मना किया था ना तुझे कि आज के बाद अगर मेरे घर में तू घुसा तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। अरे यार, तुम मारने धारने की क्या बातें करते हो? देख नहीं रहा आज मैं दूल्हा बना हूं? सिंदूर, मंगलसूत्र, आज तो मेरी शादी है। माधवी, कहां पे हो तुम? माधवी कहां? अरे तुम लोगों के चेहरे के रंग क्यों है? तेरी तो अच्छा, मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। माधवी कल आई थी घर। अरे शादी का वादा करके गई है मुझसे, पूछो। माधवी, झूठ बोल रहा है तू। अरे मैं बकवास कम कर। माधवी आ गई। माधवी, माधवी ये क्या बकवास कर रहा है यहाँ आकर? रोहित ठीक बोल रहा है। कल रात में रोहित के घर गई थी। माधवी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। धोखा दोगी वो भी मुझे। अगर अयाशी ही करनी थी तो मेरे बेटे से शादी क्यों की? तुम जैसी लड़की को तो पैदा होने से पहले ही मर जाना चाहिए था। तुम जैसी औरत को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे बंद करो ये अपना ड्रामा, छोड़ो माधवी, इन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना। हम शादी करते हैं और निकलते, ठीक है? माधवी, दूल्हा शहीद हो जाएगा, तू विधवा बन जाएगी पागल। शादी करेगा मुझसे? अरे अरे माधवी, माधवी लग जाएगा। शादी करेगा? अरे माधवी अभी तो ना तुझे। माधवी, तुझे क्या लगा कि मैं तेरे घर तुझसे शादी करने के लिए बुलाने आई हूँ? नहीं माधवी, इसको मुझे बता कि तूने मेरे साथ क्या किया। माधवी, मुझे किस तरह से ब्लैकमेल कर रहा था तू? अच्छा, झूठ बोला तूने सबसे? मुझे तेरी गर्दन ना धर से अलग कर दूंगी मैं। माधवी, बोली नहीं कि तू झूठ बोल रहा है? तूने मुझसे झूठा इल्जाम लगाया, बता दे। माधवी, माधवी बस चल, मैं ही माधवी के पीछे आया। माधवी को नहाते हुए भी मैंने ही देखा था, फोन भी मैं ही करता था और उसके पीछे भी मैं ही पड़ा था। माधवी बेकसूर है। आप सबने हो गया, आपको यकीन? मेरे पति होके तुमने मुझ पे विश्वास नहीं किया। आप मेरी सास के रूप में मेरी माँ समान थी, तुम तो ननंद के रूप में मेरी छोटी बहन थी शालू। आप सबको यकीन दिलाने के लिए मुझे रोहित के घर जाना पड़ा और ये शादी का खेल खेलना पड़ा। रोहित, अगर माधवी को कुछ हुआ ना तो तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले मैं तेरा गला नहीं काट दूं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरी माँ को। अपने चचा को मार सकता हूँ, ये माधवी क्या चीज है? दर्द हो रहा है, दर्द हो। हाँ छोड़, हाथ पे लग जाए, छोड़। रोहित, माधवी, पीछे जा, पीछे। रोहित, आगे, पीछे, चलो चलो पीछे 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 पीछे। रोहित, माधवी चलो फसल क्या जल्दी से। चलो फसल, सॉरी माधवी, मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। रियली वेरी सॉरी माधवी, इससे पहले कि इसे होश आ जाए मैं पुलिस को फोन करता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी पुलिस को फोन कर। सर, इस रोहित की वजह से मुझे
और मेरे पूरे परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। आप इसे आसानी से मत छोड़िएगा, इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। इसने आपको परेशानी नहीं बल्कि इसने अपना चाचा का भी खून किया है। ऐसे खतरनाक मुजरिम को कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा। ले चलो इसे। ठीक हो ना?